Hey guys, it's VD Play back again with another video. So guys, आज मैं हूँ पुणे में and this is my second day. तो मैं कल आया था इधर and I am staying over at Jeevan's place. वैसे मेरी पूरी फैमिली आई हुई है and we had a lot of fun yesterday. So it is fine to chill sometimes and to enjoy life. That is why मैंने सोचा था vlog नहीं करूँगा. पर कैसे है ना, I keep forgetting things and vlogs are such that day remind me of my life again when I see them again. So when I'll get old, I'll forget all this. That is why it's there. So guys, मैं आपको सभी लोगों से मिलाता हूँ अभी. So we have all these wonderful people over here. हमारे साथ है जीवन कदम, one of the biggest vloggers. Thank you. One of the biggest Marathi vloggers, guys. And Pratima है and ये है हमारा प्यारा तन्विश. Junior JKV. और ये पीछे कौन दिख रहे हैं हमें? ड्राइवर साहब. ड्राइवर साहब नहीं, वन ऑफ द बिगेस्ट. व्हाट्स अप फैमिली. इन्होंने YouTube हिला के रख दिया था. आपको इनके इंट्रो की तो कोई जरूरत नहीं और अभी भी हिला रहे हैं. शॉर्ट्स हमें भेजता है. हाँ, सब YouTube शॉर्ट्स भेजते हैं, Facebook भेजता है. ही इज द OG ऑफ व्लॉगिंग एंड अभी भी इंडस्ट्री हिला रहे हैं. बहुत प्रिटेंशियस हो रहे हैं. बट गाइस, आज हम लोग जा रहे हैं लवासा. आई नीड टू नो अबाउट इट. अभी मैं आई विकिपीडिया पे देख लेता हूँ. कल बहुत हम लोग ने मजे किए रात को और वो सब मैंने व्लॉग में दिखाया नहीं. तो ऐसे ही अचानक में भयानक हो गया. मैंने कैमरा उठा लिया और व्लॉग करने का मन हो गया. सब लोग ने अपने कैमराज निकाले थे, मेरे पास भी बैग में पड़ा था एंड इधर भी एक इतना बड़ा कैमरा है. पर मेरा एक बहुत ही प्यारा दोस्त बना है और वो है इधर तन्विश. हाय कर तन्विश. टिकड़े तन्विश, खूब मस्ती कर रहा था तन्विश. हाय तो ठीक है. अभी वो तन्विश थोड़ा डरा हुआ है. हम लोग जाते हैं अभी कार में. जाते हैं अभी कार में एंड वील स्टार्ट द जर्नी. हम लोग थोड़ा उस रस पीने के लिए रुके हैं एंड गाइस, मैंने एक बहुत ही कड़क चीज देखी. इतना बड़ा डैम है हमारे सामने. यू नो लाइक आई एम अ मुंबई का, इतना गांव साइड ज़्यादा घूमा नहीं हूँ. इवन जीवन इज व्लॉगिंग. तो हा पण आहे आज आपल्यासोबत आणि कडक व्लॉग येईल याचा पण. इट विल बी लिंक बिलो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. डीप लाइफ सुद्धा व्लॉगिंग करतोय मित्र. हो येस. ओके उन्हा दिन मागच्या अंगल प्रतिमा थांब ना बाबा, मी फोटो काढतोय. थँक यू व्हेरी मच. पळाला सुटतो तो. अरे अरे कोणाला वाटेल किडनॅप केलाय. अरे तू तसं बोलतो. सो वेल गाइस, सारे लोग यहाँ पर फोटो खिंचा रहे हैं क्योंकि पीछे मेरे व्यू देखो. तन्विश, तन्विश तुझी टोपी ऊन लागते तन्विशला. आमच्या आता नाही लागणार. तो हमारे छोटे भीम के लिए छोटी टोपी. और गाइस देख सकते हो आप ये विहंगम विहंगम दृश्य. एंड गाइस इतना डीप नहीं है, नहीं तो मैं कूद ही जाता. मुझे स्विमिंग करना बहुत पसंद है. वाओ द वाटर इज सो क्लियर. आई गेस ये पानी डैम का है तो पी सकते हैं. हे माझे ग्लासेस ते सर. छाती देखो इसकी. कावरा बावरा होता है मागे. सेंसर्ड हो जाएगा. सेव द निप. अरे यार बच्चे भी देख रहे होंगे. पीछे है पूरी सिटी, बहुत ही शांत दिख रहा है एंड हार्डली मैंने किसी को यहाँ पर देखा.
तो मुझे तो नीचे जाने से थोड़ा सा डर लग रहा है, कोई नीचे होगा भी या नहीं। आपको ये वीडियो मिला और अगर आपको मैं नहीं मिला तो प्लीज एडिट करके यूट्यूब पे डाल देना। वैसे शांत है पर बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है, तो अभी नीचे ही जाके पता चलेगा कि नीचे क्या है। जब भी एक बिल्ली का बच्चा आ जाता है तो व्लॉग रह जाता है एक तरफ और कैट प्रेमी का प्यार आ जाता है एक तरफ। बाप रे। क्लीन है वास्पन, एकदम मस्त है। तो चल तो फोटो काट दो। काट रहा है, देखो कैसे काट रहा है। उसको भागना है या फिर वो हंग्री है। अरे कायतरी रोग व्हायचा? नहीं नहीं, खून नहीं आता है तो रोग नहीं होता है। त्याला रोग व्हायचा तुला? घेऊन गेलो असतो, पण असंच सगळ्या प्राण्यांना घरी नेत राहिलो तर मलाच घरातनं बाहेर काढतील। मुझे लगा था यहाँ बहुत कम लोग होंगे। बात तो सही है, बिकॉज दिस वॉज अ प्लांट सिटी, तो भी दो तीन लोग है इधर, तो ऐसे अकेला नहीं लग रहा है। और अकेला कैसे लगेगा जब हमारी डीप लाइफ फैमिली हमारे साथ है और मेरी फैमिली भी मेरे साथ है। तो खूब मिला है रंग जब मिल बैठे हैं। हम सारे यार कुठे चालली है गाड़ी। मेरा ब्लॉग थोड़ा ऐसा ही फनी रहता है, मतलब ज्यादा हम जिंदगी को सीरियसली लेते है नहीं। तन्विशला दाखवूया, तन्विशला। तन्विश कुठे आहे? चलो अभी हम तन्विश को दिखाते। ओ जिंटू आला। म्याऊ। हां तन्विश चावतो तो। तन्विश हात नाही लावायचा। हे बघ कसा चावतो बघ मला। हाय मोहिनी। मोहिनी हां आता आला की बरं, तुम्ही गॉगल घातल्या म्हणून मला लक्षात नाही। सध्या जरा कसं झालेलं आहे, जरा थोडासा इथल्या शेतकऱ्यांनी जरा थोडासा प्रॉब्लेम दिल्यामुळे थोडासा फ्लॉप गेलेला आहे प्रोजेक्ट। हा चालू होईल पण जगत आणि त्यापर्यंत लॉकडाऊन पडलं नाही का? हा लॉकडाऊनमुळे थोडासा प्रॉब्लेम आहे। कारण की इकडे लोक दिसलेत ना आम्हाला। नाही आता दोन तीन वर्षापूर्वी एक गोष्ट आहे ना, आता आम्ही आलो 2-3-4 वर्षापूर्वी, तर इथं भरपूर महिने का गर्दी म्हणजे पर्यटक वगैरे यायचे लोक भरपूर, तर त्यांचं आता सध्या काही दिसत नाही इथे काय प्रॉब्लेम। आणि वरती पण असं वाटतंय एकदम वीरान पडलंय, खूप गर्दी असायची। हो गर्दी असायची पण आता सध्या। इथे कोणता चांगला स्पॉट कोणता आहे? नाही हाच आहे ओळखला तुम्हाला, आताच रील्स पाहिला। अच्छा। और गाइस बकरिया हम लोग का फोटोशूट हाईजैक कर रही है। गाइस मुझे ड्यूटी दी थी तन्विश को प्रोटेक्ट करने की और ये मेरे हाथ से छूट के भागने लगा ना तन्विश। हाँ। वो साइड भागने लगा और मैंने उसको कैसे कैसे करके पकड़ लिया है। फाइनली तन्विश गया मम्मी के पास और हाँ कैसे सांभाळता। ओह गॉड तन्विश मारायचं नाही मम्मीला। लहान मुलांनी डोळे बंद। मैं आपको डैम की लेवल दिखा देता हूँ, इधर बहुत नीचे है। यू कैन सी इट्स ऑलमोस्ट 30 फीट डैम के दूसरे साइड। वूहू एकदम ऊपर है, ऑलमोस्ट अबाउट 10 फीट एंड यू कैन सी द ब्यूटिफुल सन इज अबाउट टू सेट। गाइस लोकेशन देखो आप, सो गाइस हम लोग बहुत घूमे लवासा में एंड this is the most crowded place of Lavasa. Most of the places here actually look abandoned, but there's so much natural beauty. Selfie le rahe hai, mujhe chhod diya. Hello na. Ye jeevan tu baki hai. Robot touch kar aata hai. अभी अंधेरा होने लग गया है एंड द प्लेस हैज स्टार्टेड टू बिकम लिटिल स्कैरियर। पीछे देख सकते हो इंटरनेशनल बगीचा खिला हुआ है और तन्विश भागते भागते उधर चला गया है।
पेट में चूहे कूद रहे हैं। अभी हम लोग जा रहे हैं खाने, तो वी हैव स्टॉप्ड एट दिस प्लेस कॉल्ड एज स्काई नाउ रूफटॉप इमेज इमेज। खाते हैं, हंसते हैं, हदड़ते हैं, घर पे जाके फिर घर पे जाके मारते हैं। वाह 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 वाह, मारना भी तो है। ओह गॉड। तो यस गाइस, हियर वी आर एट इमेज, लेट्स ईट। सेंटा क्लॉज है वो। सो गाइस, अभी मैं ब्लॉग एडिट कर रहा था एंड आई नोटिस्ड कि मैंने ब्लॉग फॉर्मली एंड नहीं किया। वैसे गाइस, दिस वाज एन अमेजिंग ट्रिप। वैसे मैं पुणे ऑलमोस्ट 3 साल पहले आया था एंड तभी तन्विश बॉर्न भी नहीं हुआ था। रोलिंग। तो सीइंग तन्विश मेड मी वेरी इमोशनल एंड मैं यूजुअली इतनी सारी चीजें एक्सप्रेस नहीं करता मेरी फैमिली के सामने, बट इट वॉज रियली हार्ट टचिंग कि लाइफ कितनी जल्दी आगे बढ़ जाती है। और गाइस, हमें बहुत सारे सब्सक्राइबर्स मिले हमारे पुणे में। इट इज़ एब्सोल्युटली फैंटास्टिक टू सी द फैमिली ग्रोइंग। मैं पर्सनली, आप देख रहे हो, तभी ही ब्लॉग करता हूँ जब मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा कुछ स्पेशल होता है एंड अभी इस वक्त लोग मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्पेशल है। दीज आर ऑल माई मेमोरीज जो मैं वापस जाके देखता हूँ एंड उससे मुझे इंस्पिरेशन मिलती है, हैप्पीनेस मिलती है एंड नया एक जज्बा मिलता है। सो गाइज, दिस व्लॉग वॉज अ ग्लिम्स ऑफ ऑल द फैंटास्टिक टाइम दैट आई स्पेंड एट पुणे विद जीवन एंड हिज फैमिली एंड विद माई फैमिली। सो वेल गाइज, अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक दैट स्मैश बटन, उल्टा बोलिए अरे स्मैश दैट लाइक बटन, सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर मोर कंटेंट एस्पेशली आर्ट DIY एंड समटाइम्स आई मेक व्लॉग्स। दैट वॉज इट फॉर दिस वीडियो गाइज, नाउ सी यू in the next one.